अगर मैं अभी इसी वक्त आपके दिमाग और मेरे दिमाग के दोनों के अगर अंदर से पिक्चर ले सकती तो पता है वो कैसे दिखता? वो बिल्कुल ऐसा दिखता है। यस, अभी ये वीडियो देखते हुए भी आपका दिमाग और मेरा दिमाग भी इसी तरह से सोच रहा है और ऐसा ही है। आपके और मेरे चॉइस से आज हमने पिक किया है सोल टॉक के अंदर जो टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल वेरी सिंपल वेज टू हैंडल नॉट रिमूव और रिप्लेस। आई एम टॉकिंग अबाउट टू हैंडल अबाउट द ओवर थिंकिंग। आपको अगर ऐसा लगता है जैसे मुझे लगता है कि जैसे संडे के दिन छुट्टी होती है, हम कोई काम नहीं करते, वैसा एक दिन मिल जाए हमें हफ्ते में, एक दिन, बस एक दिन मिल जाए जहाँ हमें कोई चिंता ना हो, हम कुछ नहीं सोच रहे हों, कल कैसा होगा उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। ऐसा अगर आपको भी लगता है कि हम एक डीप ब्रीदिंग लें, एक दिन हमें ऐसा मिल जाए जहाँ हमें लगे कि कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं, दिमाग बिल्कुल खाली है और हम बिल्कुल पीस में हैं, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, तो आप बिल्कुल सही वीडियो की तरफ आए हैं। तो आज हम सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। आप भी अगर एक्साइटेड हैं जानने के लिए तो चलिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। इफ़ यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज़ अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट, अ टैरो कंसल्टेंट, एंजल कार्ड रीडर एंड अ हीलर एज वेल, वेयर इन आई प्रैक्टिस लामा फेरा हीलिंग, रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग एंड स्पिरिचुअल हीलिंग एंड आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल। तो अब मैंने ये जो सीरीज़ आपके साथ स्टार्ट की है जिसमें मैं सोल टॉक के अंदर आपके वो सारे क्वेश्चंस जो आपके सोल के क्वेश्चंस हैं उसे कवर कर रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, जो कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ, वो सब के वीडियो मैं इस चैनल के थ्रू डालती हूँ, तो जल्दी से बन जाइए हमारे जीवन चक्रा फैमिली के मेंबर और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन एज वेल, सो दैट कि आपको सारी वीडियोज़ जो मैं अपलोड करती हूँ वो जल्दी से मिल जाए और आप कुछ भी मिस ना करें। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ ओवर थिंकिंग। यकीन मानिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत सोचा, दिन रात मैंने सोचा। आप सोच रहे होंगे जो खुद इतना सोचती है वो हमें कैसे हेल्प कर सकती है। तो आज मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपको सोचना नहीं है, बिकॉज़ सबसे पहली बात आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सोचना, सोच के बोलो, मीन्स योर थॉट हैज़ अ लैंग्वेज। आपको जो मैं बताने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ कि कब सोचना है, कितना सोचना है, ये आप कैलकुलेट अगर आप कर सकें तो आप इस ओवर थिंकिंग से, इस पिक्चर से बाहर निकल के आ जाएंगे और आप काफ़ी शांत हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि मैं सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूं, मैं आपको बता दूं ये प्रोसेस जो है इट्स गना टेक टाइम। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन के अंदर मैजिक हो जाएगा, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ओके, इस टॉपिक को समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। आपके और मेरी तरह एक स्टूडेंट था जो कि स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहता था। वो अपने गुरु के साथ आश्रम में मेडिटेशन करता था। जब वो मेडिटेशन करने के लिए बैठता था तो उसका मन नहीं लगता था, वो बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में आते थे। वो परेशान हो गया था कि मैं इस तरह से तो कभी भी स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करने वाला। वो जाता है अपने गुरु के पास, वो अपने गुरु से पूछता है, गुरु मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं जैसे ही मेडिटेशन करने के लिए बैठता हूँ एक थॉट आता है, उस थॉट को हटाने की कोशिश करता हूँ, दूसरा आता है, उसके ऊपर तीसरा आता है, करके ऐसे करके पूरा एक चेन बनता जाता है और मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या करने बैठा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। गुरु को समझ में आ गया कि ये क्या पूछना चाहता है। वो अपने पास में रखा हुआ एक खाली घड़ा उसके हाथ में देते हैं और कहते हैं कि जाओ और इसे कंकड़ों से भर दो, पत्थरों से भर दो। वो जाता है और उसे भर देता है, भर के अपने गुरु के पास ले आता है। उसका गुरु कहता है, देखो ये तो पूरा भर गया, अब एक काम करूँ, इस पर कुछ और पत्थर ऐड कर दो। पहले तो शिष्य जो है, स्टूडेंट जो है, वो बोलता है कि इसमें तो पत्थर नहीं आएगा। गुरु कहता है कुछ तो कोशिश करो। वो कुछ ऐड करने की कोशिश करता है और उससे क्या होता है, एक दो पत्थर तो ऐड हो जाते हैं लेकिन उसके बाद पत्थर बाहर गिरने लगते हैं। इस पे गुरु बताते हैं उसे कि दुनिया के कहीं पे भी, चाहे वो एक कंट्री हो, आपका एक फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, एक स्कूल हो, एक कॉलेज हो या एक ऑफिस हो,
आपका खुद का घर हो वो भर सकता है, उसका आप अल्टरनेटिव निकालेंगे और फिर आप एक नया स्पेस बनाएंगे वो भर सकता है। लेकिन एक मैकेनिज्म है, एक गॉड का गिफ्ट है जो कि कभी नहीं भरता, और वो कुछ और नहीं है, वो आपका दिमाग है। एक थॉट आता है, उसके ऊपर दूसरा आता है, उसके बाद तीसरा आता है, ऐसे करते करते आप खुद देखिए, आप खुद समझिए कि वो बार 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 भरता जाता है। मीन्स आपका दिमाग हमेशा खाली रहता है, सब कुछ होते हुए भी वो खाली है, क्योंकि उसमें फिर एक जगह है कि आप एक और थॉट लेके आ सकते हैं। यहाँ शिष्य जो है उनकी बात समझ जाता है, लेकिन वो कहता है, गुरु मैं आपकी बात तो समझ गया हूँ, लेकिन बताइए कि इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आता इसको कैसे हैंडल करूँ। गुरु कहता है, आप बहुत अच्छे जो हैं मूर्तिकार हैं, आप एक काम करें, इसमें से इस घड़े में से एक पत्थर निकालें और मुझे एक मूर्ति बना के दीजिए। वो जो शिष्य है वो स्टार्ट करता है, पत्थर चूज करने लगता है, एक पत्थर में उसे कुछ डिफेक्ट लगता है, दूसरे में, तीसरे में, वो पूरा घड़ा खाली कर देता है, लेकिन उसे कोई भी पत्थर जो है उसे नहीं मिलता कि वो जिससे अपने जो गुरु है उसके लिए कोई मूर्ति बनाए और उन्हें दे। गुरु फिर कहते हैं कि आप जो कर रहे हो मैं देख रहा हूँ, आप एक काम करो, ये सारे पत्थर में से जो सबसे पहला पत्थर आपने निकाला था, सोचो कि सिर्फ आपके पास वही है, उसके सिवा आपके पास कुछ नहीं है, अब इसमें से मूर्ति बनाने की कोशिश करो। शिष्य जाता है और उसमें से मूर्ति बनाता है और वो बहुत खुश होता है। वो कहता है, गुरु मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ब्यूटीफुल मूर्ति जो है वो मैं बना पाऊँगा इस पत्थर से। फिर गुरु उन्हें समझाते हैं, जो दिमाग के अंदर इतना ट्रैफिक, जो हॉर्न बज रहे हैं, ट्रैफिक जैम है, ये किस वजह से हो रहा है? बहुत सारी चॉइस, बहुत सारी डिज़ायर की वजह से। हम कई बारी, हर बारी, सिर्फ आप नहीं मैं भी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी पाना है, ये खो दिया, ये पा लिया, उसके पास ये, उसके पास वैसा, सारी तरह की कंपैरिजन करना, अपने आप को हम लिमिट नहीं करते हैं, इसलिए हमारी ये हालत होती है और हमारे दिमाग की ऐसी पिक्चर आती है, राइट? आई होप आप इस स्टोरी से कुछ समझ पाए होंगे। अब आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़, ओवरथिंकिंग से बचने के लिए, जैसे मैं आपको ट्रैफिक जैम के बारे में बता रही हूँ, आप ये सोचिए कि आप ट्रैफिक जैम में नहीं फंसे हुए हैं, आप अपने छत से देख रहे हैं, मीन्स आप उसको दूरी से देख रहे हैं, आप ट्रैफिक जैम के अंदर नहीं हैं, ओके? जब आप किसी भी सिचुएशन से अपने आप को अलग करके दूर होके देखेंगे तो आप यकीन माने उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे। अगर आप छत से देख रहे हैं ना, आपको लगेगा ओहो इतनी सारी जगह है, ये कार यहाँ से क्यों नहीं निकाल रहा, ये बाइक वाले क्यों खड़े हैं, ये जब पैदल चल के जा रहे हैं उनको जगह दिखाई नहीं दे रही, वो यहाँ से नहीं जा सकते। आप क्योंकि छत से देख रहे हैं, आप वहाँ पर फंसे हुए नहीं हैं तो आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप अपनी जितनी भी थिंकिंग आपके पास ओवरथिंकिंग आ रही है या जो थॉट प्रोसेस आ रहे हैं उसको अपने आप को डिटैच करके अगर आप देखेंगे तो आप उसे हैंडल कर पाएंगे। अब ये डिटैचमेंट कैसे करना है चलिए जान लेते हैं। वो सिंपल से स्टेप्स जो आपको फॉलो करना है, यकीन मानिए अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं और मेरी इस स्टोरी को, जो स्टोरी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और जो मैंने ट्रैफिक जैम का आपको एग्जांपल दिया है, इसे अगर आप समझ जाएंगे तो आपको आज के बाद कभी भी ओवरथिंकिंग का शिकार नहीं होना होगा। लेट्स मूव टू द वेज। सबसे पहला तरीका बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो है आपको लिखना है, लिखना है अपने वो सारे थॉट्स, वो सारे इमोशंस उसके अंदर आप डालें। 10 मिनट, दिन का 10 मिनट निकालें, वो सारे थॉट्स जो आपके पास आ रहे हैं उसे लिखें, पेन डाउन करें, तो उससे क्या होगा, आपके सारे इमोशंस बाहर आएंगे। उसके बाद आप उसे पढ़ें, क्या लिखा है आपने, क्या चल रहा है आपके दिमाग के अंदर। जब आप उसे पढ़ेंगे तो क्या होने वाला है, आपका दिमाग होने वाला है काम। नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, क्योंकि अगर आप बार बार हैबिचुअल हैं ओवरथिंकिंग के, आप अगर हैबिचुअल हैं तो आपको क्या करना है, उसे दूर से देखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ट्रैफिक जैम के बारे में, आप छत पे हैं तो क्या होगा, अगर आप कॉन्शियसली सोचेंगे कि आप बार बार क्या सोच रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, उस चेन को, उस पैटर्न को ब्रेक कर पाएंगे जिससे कि आप ओवरथिंकिंग करते हैं, ओके? नंबर 3,
ask yourself the right questions. अपने आप से questions पूछिए. Ask yourself these questions. Are these thoughts real facts? जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये सही है कि मैंने कार पार्क करी है कहीं मेरी कार जो है वो चोरी ना हो जाए. Are these thoughts helpful to me in this moment? इस time पे जब मैं खाना खाने बैठा हूँ या अपने परिवार के साथ बैठा हूँ क्या मुझे ये thoughts रखना चाहिए अपने दिमाग के अंदर. Are these thoughts serving me in any way? किसी भी तरह से ये मुझे help कर रहा है जो मैं सोच रहा हूँ. What can I do right now in this moment to feel better? मैं ऐसा क्या करूँ, कौन सा काम करूँ जो कि मुझे लगे अच्छा लगे, थोड़ा अच्छा लगे. Asking the right questions to yourself at the right time. जब overthinking आ रहा है तब आपको सोचना है. तो क्या होगा, आप एक rational thinking के अंदर आ पाएंगे instead की आप overwhelming overthinking की तरफ जाएं. फोर्थ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बहुत सारे डिज़ायर रखते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए आपको करना है दी ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखना है आपको. आप अगर ये ग्रैटिट्यूड लिस्ट की हैबिट बना लेंगे माय डियर वंस, आप यकीन मानिए आपका दिन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है. अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स पे, सिर्फ ब्लेसिंग्स पे कि आज मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, आज मेरे पास क्या है, इसके बारे में सोचने से हमारी एंग्जाइटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है एंड इट इंक्रीजेस योर लेवल ऑफ इनर हैप्पीनेस. नेक्स्ट है बी नाइस टू समवन एल्स. इफ़ यू विल बी नाइस टू समवन एल्स क्या होने वाला है, जब आप देखते हैं कि कोई बहुत परेशान है आप उसको हेल्प करते हैं, कोई आपसे हेल्प मांगता है या राह चलते भी आप किसी को हेल्प करते हैं ना, सडनली जब वो थैंक यू बोलता है, स्माइल करता है या आपका दिया हुआ खाना खाता है, यकीन मानिए आपके अंदर वो हैप्पी हार्मोन्स जो है वो जनरेट होते हैं और आपकी एंग्जाइटी और आपका जो ओवर थिंकिंग है उसका पैटर्न ब्रेक हो जाता है. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, ये सारे जो भी मैं आपके साथ टेक्निक शेयर कर रही हूँ, इससे हम ओवर थिंकिंग को हैंडल कर रहे हैं, हम उसे रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम उसको शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली उसको हैंडल कर रहे हैं. उस जो पैटर्न है, चेन ऑफ थॉट्स है जो कि ओवर थिंकिंग में जाता है, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं और ये सारे प्रोसेस आपको हेल्प करने वाला है. नेक्स्ट है फोकस ऑन योर फील गुड हैबिट. अब इस हैबिट से क्या होगा, आपको जो अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल आपको टीवी देखना अच्छा लगता है, आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, आप उसे पूरा कंसंट्रेशन के साथ करें विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. कोई फ़ोन आपके हाथ में नहीं होना चाहिए. जो चीज़ आपको पसंद है आप वही कर रहे हैं, राइट? अगर आप वही कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन क्यों, बुक पढ़ रहे हैं साथ में फ़ोन भी स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में किसने क्या डाला, फेसबुक में किसने क्या डाला, ओहो मैंने ये पोस्ट डाला था इसने मुझे लाइक नहीं किया, इसने मुझे कॉमेंट नहीं किया, राइट? आप कुछ ऐसा ही करते हैं, ऐसा नहीं करना है. आपको फ़ोन बिल्कुल अपने आप से अलग कर देना है. या फिर अगर आपको फ़ोन में देखना, फॉर एग्जांपल आप कोई कॉमेडी शो देखना चाहते हैं जैसे कि कपिल शर्मा देखना चाहते हैं या कोई भी एक ऐसा शो देखना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, पूरा हार्ट आपका वही होना चाहिए. ये नहीं सोचेगा ओहो आज मुझे वो बुक पढ़ना था, मैंने सोचा था आज से मैं बुक पढ़ूंगा, नहीं, पूरी तरह से आप उसमें फोकस करके वॉट एवर मेक्स यू टू फील गुड वहाँ अपना 100% डाल दीजिए. नेक्स्ट टेक्निक बहुत ही ईजी है, वो क्या है, हम सब सांस लेते हैं, राइट? तो आपको फोकस करना है अपने ब्रीदिंग पैटर्न में. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. इस टेक्निक को आप ज़रूर और ज़रूर अपनाएं, क्योंकि जब आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं, कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं, तो आप इमीडिएटली काम हो जाते हैं. एक और बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक आपके साथ शेयर करती हूँ. जब आपको लगे ना कि बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, आइज ब्लिंक करना शुरू कर दीजिए. जितना हो सके आप आइज ब्लिंक करें, आप देखिए आप कितने रिलैक्स हो जाएंगे. पर ये तभी करिएगा जब आप सोने जाने वाले हों. जब आप आइज ब्लिंक करते हैं आप इतने रिलैक्स हो जाते हैं, इतना आपका बिल्कुल फोकस जो है एंग्जाइटी से हट जाता है, ओवर थिंकिंग से हट जाता है और आप रिलैक्स होकर सो जाते हैं. तो कोशिश करिएगा जब आप सोने वाले हों तभी आप आइज ब्लिंक करें, अदरवाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो आप कभी भी कर सकते हैं. अब इस पूरे वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है, हाउ टू हैंडल ओवर थिंकिंग. आप यकीन मानिए ये जो वर्ड है, ओवर थिंकिंग का जो वर्ड है ना, ये इतना फेमस हो गया है कि लोग जो है मेडिटेशंस करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको करवाते हैं और
आप उन सारे कैंप्स में जाते हैं, कुछ देर के लिए तो आप काम हो जाते हैं, लेकिन फिर आप वापस आते हैं, फिर उन सब चीज़ों में फंस जाते हैं, और आप क्या करते हैं बेसिकली वो सारे टेक्निक्स को के साथ वर्क करके आप क्या कोशिश कर रहे हैं अपने ओवर थिंकिंग को हटाने की। मैं आपसे कह रही हूँ आपको ओवर थिंकिंग को हटाना नहीं है, आपको उसको हैंडल करना है। ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, आपको धीरे 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 करके आगे बढ़ना है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, 10 डेज के कैंप से आपको कुछ नहीं होगा, अनलेस आप जो वहाँ सीख के आए हैं उसको आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरुज़ हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे मेंटोर्स हैं जो कि आपको सिखाते हैं, लेकिन अगर आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू बी फ्रेंड टू योर माइंड। अपने दिमाग को फ्रेंड बनाएं, उससे नफरत ना करें कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं सोचूं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि मैं इतना थॉट प्रोसेस रखता हूँ, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, मेरे सर में दर्द होता है, मुझे माइग्रेन का इश्यू हो जाता है एंड ऑल दीज। इस तरह से अगर आप हेट्रेड नेगेटिव फीलिंग अगर अपने ही थॉट को अपने ही माइंड को भेजेंगे, जहाँ प्यार नहीं है वहाँ क्या होता है, और आपके साथ बुरा होता है। अगर आपका कोई एनिमी है तो वो आपके साथ अच्छा तो नहीं करेगा ना। अगर आप उसको उस तरह की फीलिंग देंगे, अपने माइंड को अपने थॉट को उस तरह की फीलिंग देंगे कि वो एनिमी है, तो वो आपको कभी हेल्प नहीं करने वाला। इसलिए बी फ्रेंड टू योर माइंड माई डियर वंस। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ब्यूटीफुल एफर्मेशंस हैं जो कि आपको बोलना चाहिए। इससे आपका जो प्रोग्रामिंग है आपके माइंड का, आपके सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं ना कहीं ये फील हो जाएगा दैट यू बोथ आर फ्रेंड्स। जब ये पता चल जाएगा कि आप दोनों फ्रेंड्स हैं, तो यकीन मानिए आपका जो माइंड है वो आपको हेल्प करने वाला है। अफर्मेशंस लाइक आई एम काम इन दिस मोमेंट, आई अलाउ माई सेल्फ स्पेस टू ब्रीथ, स्पेस टू हील। इफ़ यू यूज़ दिस अफर्मेशन हार्मोनियसली विद योर डीपर ब्रीथ, इट विल डेफिनेटली स्टॉप द ओवर थिंकिंग स्पायरल। आपको ये बहुत प्रैक्टिस करना होगा। एक दिन ऐसा आने वाला है कि आपके जो जो शोर है ना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जहाँ पे 10 आते थे वहाँ पे धीरे धीरे करके 5 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2, फिर 1, फिर 0। शून्य मतलब क्या हुआ, समाधि। समाधि मीन्स एकदम ब्लैंक। फॉर एग्जांपल 2 क्लाउड्स हैं, ओके, क्लाउड्स जा रहे हैं आसमान में, अगर क्लाउड्स हैं तो क्या होगा, वो साथ में ना होके उन दोनों के बीच का जो गैप है ना, इतना सा गैप, वो स्पेस आपको मिलने वाला है। वो स्पेस में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग आएगी जब वो ब्लैंक हो जाएगा, जब आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अब उस थॉट प्रोसेस से कि वाओ व्हाट अ फीलिंग, उस थॉट प्रोसेस से भी आपको नहीं अटैच होना है। दैट वाज अ फीलिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग, गो गो एंड वर्क, अपना दिन बिताइए। ओके, ये जितने मैंने ब्यूटीफुल से बहुत इजी से वेज आपको बताए हैं, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, यू कैन गो देयर एंड चेक। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेने चाहिए इस चैनल को। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, आई होप मैं आपको बता पाई हूँ कि ये जो ब्यूटीफुल सा स्पेस है, ये आप कोई ड्रग्स लेके भी आपको आ सकता है। आप अगर ड्रग्स लेते हैं ना, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आप उस ब्लिसफुल कंडीशन में पहुंच सकते हैं जहां पे आपको आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा, आप अपने दिमाग को मास्टर करना चाहते हैं, ना कि आप चाहते हैं कि कोई तीसरी चीज़ आके आपको मास्टर करे। आपको उसकी क्रेविंग होगी और वो आपका मास्टर बन जाएगा। यू आर नॉट गना बी टेम्ड बाई एनी बॉडी। तो आपके दिमाग को आपको मास्टर करना है, यू नीड टू बी द मास्टर। आपको इस तरह की कोई भी सब्सटीट्यूट की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और पेशेंस बना के रखना है। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जो आप मेरे से यहाँ से सीख के जा रहे हैं उसे प्रैक्टिस करके आइए, 21 डेज, ओनली 21 डेज, रिलीजियसली आप इसको प्रैक्टिस करें, यकीन मानिए आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। आके मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा अपना फीडबैक, आई एम श्योर इट्स गना हेल्प यू अलॉट। कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या आपको यहाँ से कुछ नॉलेज मिला है, क्या आपको ये सारी बातें जो मैंने बताई है वो समझ में आई है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर कोई इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा है। हर किसी के दिमाग के अंदर
ऐसी ही पिक्चर चल रही है. सो लेट अस हेल्प ईच अदर. डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय फॉर टुडे. ओम नमः.